इस्लाम जिसका मतलब है सबमिशन टू गॉड, यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। पर मेरा सवाल है कि कौन सा ईश्वर? प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम भी यीशु को प्रॉफिट मानते हैं, इसलिए हम और क्रिश्चियंस एक ही रास्ते पर चलते हैं और एक ही खुदा को मानते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कहां तक सही है और कहां तक गलत। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मक्का से, 5th century AD में, जब मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। तो अरब कंट्रीज में बहुत सारे रिलीजन्स थे, जैसे यहूदी, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोएस्टर्स और अन्य पॉलीथिस्ट्स। अब ये जो पॉलीथिस्ट रिलीजन था, जो कि उस समय सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रिलीजन था, ये बहुत सारे खुदाओं की उपासना करता था और अपने खुदाओं की इबादत करने के लिए इन्होंने एक खास जगह नियुक्त कर रखी थी, जिसको आज के दिन में जाना जाता है मक्का के नाम से। हर तरह की रूहानी रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए ये जगह, जो कि चौकोर स्ट्रक्चर है, सऊदी अरेबिया का हार्ट यानी दिल माना जाती थी, जहां पर वे लोग अपने पेगन देवताओं की वर्शिप को प्रैक्टिस किया करते थे। इसके सेंटर में तकरीबन 360 देवी देवताओं की मूर्तियां पाई जाती थी और इनकी पूजा की जाती थी। इनके ऑनर में इस चौकोर स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द राउंड सर्कल में इसकी परिक्रमा की जाती थी। मनफ, मनत, दुशारा, ये कुछ उन देवियों के नाम हैं जो इस काले रंग के चौकोर स्ट्रक्चर में पाई जाती थी। इन 360 मूर्तियों के अलावा 5 मूर्तियां और थी जो इस स्ट्रक्चर के कॉर्नर्स पे पाई जाती थी, यानी साल के हर एक दिन के लिए एक खुदा। लेकिन इन सब देवी देवताओं में से जो सबसे बड़ा देवता था, जो इन सब का लीडर था, उसका नाम था हुबाल, जो कि एक मून गॉड था। स्कॉलर्स का कहना है कि ये काला चौकोर स्ट्रक्चर मेनली हुबाल को ही डेडिकेटेड था। पत्थरों पर उकारी गई हुबाल देवता की तस्वीरों पर उसके सर पर चांद और सितारा दिखाया गया है। जब हुबाल देवता की वर्शिप की जाती थी तो इस चौकोर स्ट्रक्चर के सेंटर में और कभी कभी इसके कॉर्नर पर एक काले रंग का पत्थर रखा जाता था, जिसको वे मानते थे कि उनका गॉड स्वर्ग से लेकर आया है, और जो भी उस पत्थर को छू लेगा उसकी एनर्जी स्वर्ग की एनर्जी से कनेक्ट हो जाएगी और मरने के बाद उस छूने वाले व्यक्ति की नॉन मटेरियलिस्टिक एनर्जी यानी रूह या आत्मा स्वर्ग में चली जाएगी। सीरिया के लोग यहाँ इस जगह उस मून गॉड की वर्शिप या उपासना करने आते थे, जिसको वह और इजिप्शियन लोग बाल के नाम से पूजते थे, जो कि एक मून गॉड है। इस हुबाल या बाल गॉड को फरीसियों के द्वारा यीशु के साथ भी जोड़ने की कोशिश की गई थी। उनका कहना था कि यीशु मसीह जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वह बाल जबूल की मदद से ही ऐसा करता है। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। इस पर देखिए यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया। यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? यानी यीशु मसीह ने क्लियर कट इस चीज को बोल दिया था कि हुबाल, बाल या बालजबू शैतान है। लेकिन अबू बकर, जो कि मोहम्मद का ससुर था, उसका और उसके गिरोह का दबदबा आसपास के एरिया में बहुत बढ़ रहा था, इसलिए उसकी मदद से मोहम्मद ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। देखिए, हुबाल के ऑनर में उस चौकोर स्ट्रक्चर के राउंड सर्कल में परिक्रमा की जाती थी और मुस्लिम भी उस जगह जाकर उसी चौकोर स्ट्रक्चर की राउंड सर्कल में घूम घूम कर परिक्रमा करते हैं। हुबाल यानी बाल के पुजारी वहां एक काले रंग के पत्थर को रखते थे और उसको पूजते थे। मुस्लिम्स भी मक्का में जाकर उस काले रंग के पत्थर को छूते हैं और चूमते हैं। हुबाल या बाल या बालजबूब का सिंबल मून होता था और इस्लामिक मस्जिदों के ऊपर भी आपको सेम वही मून और स्टार देखने को मिलेगा। अब क्या इसका मतलब यह है कि वह बाल या हुबाल आज की डेट में भी अपनी वर्शिप एक नए नाम से करवा रहा है?
इन सारे तथ्यों से तो यही साबित होता है। चलिए एक बार गूगल से भी पूछते हैं। चलिए अब इस बात को और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुस्लिम्स भी उस एक सच्चे खुदा की इबादत करते हैं जिसकी हम करते हैं, या वह एक ग्रेट डिसेप्शन के तहत भटका दिए गए हैं और भरमा दिए गए हैं। अब हम इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म के फाउंडर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जीसस डिड नॉट मैरी, यानी यीशु ने शादी नहीं की, बट मोहम्मद की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 12 बीवियां थी। यीशु मसीह ने यहां रहते हुए कभी हथियार नहीं उठाया, ना ही कभी लड़ाई झगड़ा या वॉयलेंस को प्रमोट किया। यहां तक कि यीशु ने कहा कि अगर कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी उसके आगे कर देना। यीशु का कहना था कि खुदा का अपने लोगों के लिए यही हुक्म है, लेकिन मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों की ये कहते हुए गर्दन काट दी कि ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए, खुदा वॉयलेंस को प्रमोट नहीं करता। इसका सबूत हमें मिलता है ओल्ड टेस्टमेंट में, जब खुदा दाऊद से कहता है कि राजा होने की वजह से तुमने जंगे लड़ी और खून बहाया है, इसलिए तुम मेरा मंदिर नहीं बना पाओगे। पहला इतिहास चैप्टर 28 और वर्स 3। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम अपने मन में किसी स्त्री के प्रति बुरा विचार भी लाते हो तो तुम पापी ठहरते हो। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 5 और वर्स 28। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। लेकिन मोहम्मद एक पेडोफिल था। पेडोफिल उस इंसान को कहा जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन संबंध बनाने की डिजायर होती है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि मोहम्मद ने एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी की थी और 9 साल की उम्र में उसके साथ पेडोफिलिया में फोर्सफुली यौन संबंध बनाए थे, जबकि उसकी खुद की उम्र उस वक्त 53 ईयर्स की थी। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आपको ये जानने को मिले कि आपके मोहल्ले में या आपके पड़ोस में एक बुढ़ा इंसान 9 साल की बच्ची के साथ यौन संबंध बना रहा है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि आप उसको नबी, प्रॉफिट या पैगंबर तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। यीशु मसीह ने न जाने कितने ही मिरेकल्स करके दिखाए और कितने ही चिन्ह दिखाए, जिनमें से बहुत से तो बाइबल में लिखे ही नहीं गए। यूहन्ना की किताब चैप्टर 20 और वर्स 30। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, लेकिन मोहम्मद ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी मिरेकल परफॉर्म करके नहीं दिखाया। हालांकि उसके अनुयायियों ने उसको कितनी बार कहा भी, लेकिन कुरान में आपको पढ़ने को मिलेगा कि मोहम्मद ने उनको एक भी मिरेकल परफॉर्म करके नहीं दिखाया। क्रूस पर जब यीशु को लटका दिया गया था तो यीशु ने वहां अपने साथ वाली क्रूस पर लटक रहे एक व्यक्ति को कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। इसके बाद यूहन्ना की पुस्तक चैप्टर 16 और वर्स 28 में भी देखिए क्या लिखा है, मैं पिता से निकलकर जगत में आया, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे बाइबल वर्सेस में यीशु ने कहा कि वह स्वर्ग से आया है और वापिस अपने पिता के पास स्वर्ग में ही जा रहा है। बट मोहम्मद ने अपने आखिरी समय में देखिए क्या कहा, फॉर आई डू नॉट नो वेयर आई विल बी गोइंग आफ्टर माई डेथ एंड वॉट विल हैपन टू मी। यहाँ मोहम्मद का कहना है कि मुझे नहीं पता कि मरने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा और मेरा क्या होगा। Jesus applied his teachings upon him first before giving them to his disciples. जो शिक्षाएं यीशु ने लोगों को दी, यीशु मसीह ने उन सब बातों को पहले खुद माना और अपने आप पर अप्लाई किया। उसने अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पर विनम्र बनाया, जो हर किसी को उद्धार प्रदान करने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन मोहम्मद ने जो टीचिंग्स दी उनमें से किसी को भी उसने खुद नहीं माना। फॉर एग्जाम्पल, उस वक्त मुस्लिम्स को 3-4 शादियां करने की आज्ञा थी, लेकिन मोहम्मद ने खुद 12 शादियां की। देखिए, मुस्लिम्स अपने आप को यहूदियों और मसीहियों से क्यों मिलाना चाहते हैं? क्योंकि मोहम्मद ईसाइयों और यहूदियों से
वही चीज करना चाहता था जो उसने मेसोपोटामियन और कुरेशी लोगों के साथ की। जिन देवियों की मूर्तियों को, यानी मनफ, मनत और दुशारा की मूर्तियों को वे लोग काबा में पूजते थे, मोहम्मद ने उनसे कहा कि हम भी तुम्हारी इन देवियों पर ईमान रखते हैं, क्योंकि ये हम सब की दुआओं को अल्लाह के पास पहुंचाती हैं। जब कुरेशी लोगों ने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि अरे, हम तो एक ही हैं। और जब कुरेशी लोग इस्लाम को भी अपनाकर एक दूसरे में मिलजुल गए और इस्लाम की प्रैक्टिसेस, जो कि आधी से ज्यादा ऐसी थी जो वे ऑलरेडी परफॉर्म करते थे, तो धीरे धीरे मोहम्मद ने यह कहना शुरू कर दिया कि पहले की बातें और आयतें मुझ पर शैतान ने उतार दी थी, सो उन सब बातों और आयतों को भूल जाओ और अब हम डायरेक्ट अल्लाह से दुआ करेंगे और सिर्फ उसकी इबादत करेंगे। कुरेशी लोग इस पर सहमत हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमारे ही देवता हुबाल की इबादत करने को ही तो कह रहा है, तो इसमें बुरा ही क्या है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों में ही बहुत सारी समानताएं हैं, जैसे दोनों का ही चिन्ह चांद और सितारा है, दोनों की ही इबादत राउंड सर्कल में घूम घूम कर की जाती है, दोनों ही सेम उसी काले पत्थर को चूमने और पूजने को कहते हैं। कुछ ऐसा ही यहूदियों और मसीहियों के साथ करने का, मोहम्मद का और अबू बकर का और उसके जो खलीफा थे उनका प्लान था। जब मोहम्मद यहूदियों के पास गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा नबी हूं, तो यहूदियों ने मोहम्मद से कहा कि अगर तुम हमारे नबी हो तो कोई मौजजा दिखाओ, लेकिन मोहम्मद उनको कोई भी मौजजा या कोई भी चिन्ह ना दिखा पाया। इसके बाद मोहम्मद ने उनसे कहा कि हम भी उसी खुदा की इबादत करते हैं जिसकी तुम करते हो, हम भी आदम, इब्राहिम और मोसेस जैसे मुकद्दस लोगों को मानते हैं। इस पर जब यहूदियों ने उससे सवाल जवाब करना शुरू किया तो मोहम्मद ने उनको बहुत ही बचकाने और इलॉजिकल जवाब दिए। देखिए, बाइबल में दो ऐसी औरतों का जिक्र है जिनका नाम मरियम है, मोसेस की बहन और यीशु की माता, लेकिन कुरान में यह मोहम्मद की बात है कि वह दोनों एक ही थी। यहूदियों ने कहा कि मोसेस और यीशु मसीह में तकरीबन 1400-1500 सालों का गैप था, तो यह कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद कुरान के सूरा 21 अल अनबिया और वर्स 71-73 में यह भी लिखा गया है कि नमरूद ने अब्राहम को आग में फेंका था, हालांकि नमरूद का अस्तित्व अब्राहम से कई सौ साल पहले था। सो ऐसी बेवकूफाना बातें सुनकर यहूदियों ने मोहम्मद को उसके खलीफा लोगों के साथ भगा दिया। इसके बाद मोहम्मद मसीही लोगों के पास आया, उसने कहा कि हम भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुआ और उसने बहुत सारे चमत्कार किए। उसने कहा, देखिए, मेरी कुरान में लिखा है कि मानव इतिहास में सबसे ज्यादा मिरेकल्स और मौजजे यीशु मसीह ने ही दिखाए हैं। ये सुनकर मसीही लोग उसकी बातों में आना शुरू हो गए, लेकिन फिर मोहम्मद की वही बेवकूफाना बातें सुनकर उन्होंने भी मोहम्मद को एक प्रॉफिट का दर्जा देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने कहना शुरू कर दिया था कि खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता और यीशु मसीह कभी क्रूस पर मरा ही नहीं और ना कभी मुर्दों में से जी उठा। सो यहूदियों के और मसीहियों के इस बिहेवियर की वजह से उसके दिल में इन दोनों के लिए अति नफरत पैदा हो गई और उसने यहूदियों और मसीहियों को किताब के लोग कहना शुरू कर दिया। कुरान में साफ साफ इन दोनों से नफरत करने का ऑर्डर दिया गया है। कुरान के सूरा 9 और वर्स 29 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ पीपल ऑफ बुक यानी किताब के लोग यानी यहूदी और क्रिश्चियंस को मार डालने के लिए लिखा गया है अगर वह इस्लाम को कबूल नहीं करते, या फिर उनको जिजिया टैक्स देना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, यानी कि अगर जिंदा रहना है तो इस चीज का टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, इस्लाम का मतलब है नफरत, लड़ाई, मर्डर और झगड़ा। अर्ली खलीफा इस्लाम को दीन सैफ कहते थे, यानी तलवार का ईमान। सूरा 5 और वर्स 17 में लिखा है कि जो लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हुए अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाते हैं वे अच्छे नहीं वरन बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं। सूरा 98 और वर्स 6 में लिखा है कि क्रिश्चियंस लोग सबसे ज्यादा वर्स क्रिएचर यानी मखलूकात हैं। सूरा 5 और वर्स 51 में लिखा है कि एक मुसलमान को कभी भी मसीहियों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। सूरा 9 और वर्स 29 में लिखा है कि मसीहियों से जंग करो उस विश्वास के लिए जो वे यीशु पर रखते हैं। सूरा 9 और वर्स 30 में यह भी लिखा है कि अल्लाह करे कि यहूदी
और क्रिश्चियंस नष्ट हो जाएं। सूरह 3 और वर्स 28 में देखिए क्या लिखा है कि नॉन बिलीवर्स यानी वे लोग जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे कभी भी दोस्ती मत करना जब तक कि तुम्हारी सुरक्षा का सवाल ना हो। ऐसी जगह जहां मुसलमानों की गिनती कम हो बाकियों के मुकाबले, तो वहां वे उनसे दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए, दिल में उनके प्रति जहर रखते हुए। कुरान की आयतों को आगे एक्सप्लेन करने वाले इस्लामिक कमेंटेटर्स जो हुए, उनमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो है इब्न कथीर। उसकी डॉक्यूमेंट्री का नाम है तफसीर ऑफ इब्न कथीर। उसने इस आयत के एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि तुम यहूदियों और ईसाइयों से कभी दोस्ती मत करना जब तक कि तुम्हें उनसे खतरा ना हो, लेकिन सिर्फ बाहर से, कभी भी उनसे अंदर से दोस्ती मत करना। मोहम्मद के साथी अबू अद दर्दा का स्टेटमेंट है कि हम उनके लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं लेकिन दिल में उन पर लानत भेजते हैं। इसके अलावा मोहम्मद के दूसरे साथी अल हसन का स्टेटमेंट है कि कयामत के दिन तक तकिया अलाउड है। तकिया यानी फेक दोस्ताना स्वभाव रखते हुए किसी पर लानत भेजना। देखिए, शैतान भी इंसानी जात के पास अदन के बाग में फेक, नकली और अच्छा दोस्ताना स्वभाव लेकर ही आया था, जैसे वो उनका भला चाहता हो, लेकिन बाद में वह इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। मुहम्मद और अल्लाह भी यहूदियों और मसीहियों के पास पहले दोस्त बनकर ही आए थे, जबकि अब वह इन दोनों के, खासकर यहूदियों के, सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। शैतान शुरू से ही खुदा की जगह लेना चाहता है। यहां तक कि बाइबल में लिखा है कि शैतान कहता था कि मैं अपना सिंहासन खुदा से भी ऊंचा लगाऊंगा। मुहम्मद, अल्लाह और उसकी कौम के लोग भी खुदा की जगह लेना चाहते हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में। मैं इसराइल और यरूशलम की बात कर रहा हूं। आज भी इसराइल पर कब्जा करते हुए यरूशलम को हासिल करने के लिए लगातार मुस्लिम्स जंग कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यरूशलम, जहां खुदा का मंदिर हुआ करता था, वहां अपनी अल अक्सा मस्जिद बना रखी है, जहां यहूदियों की और मसीहियों की एंट्रेंस नहीं है। सारे के सारे मुसलमान इस बात को मानते हैं कि यीशु कभी क्रूस पर नहीं मरा और ना कभी मुर्दों में से जी उठा, इसलिए कोई बलिदान नहीं और कोई गुनाहों की माफी नहीं। उनके कुरान में लिखा है कि जिसे यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ाया था वह यीशु नहीं बल्कि यहूदा इस्करियोती था, जिसकी शक्ल चेंज होकर यीशु की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जो कि अल्लाह का मौजजा था। ये क्या है? एक अलग तरह का गॉस्पल, एक अलग तरह का सुसमाचार। लेकिन इसके बारे में पौलुस ने बाइबल में हमें पहले ही वार्न कर दिया था, गलातियों चैप्टर 1 और वर्स 8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। इसका मतलब इंसान के साथ साथ स्पिरिचुअल बींग्स भी कोई नया सुसमाचार या गॉस्पल सुना सकते हैं। देखिए, मोहम्मद को कुरान की आयतें जब नाजिल होना स्टार्ट हुई थी तो वह एक गुफा में बैठा था। उसे हमेशा अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहती थी। उसके कानों में और उसके दिमाग में ये वॉइसेस पड़ती रहती थी। मोहम्मद को लगने लगा कि वह डिमोनिकली पोजेस्ड हो चुका है और इन सबसे परेशान होकर वह सुसाइड करने की कोशिश करने लगा। इस पर उसे बचाने के लिए उसकी वाइफ ने उसे ये बोल दिया कि यह तो खुदा की आवाज है, तुम खुदा के नबी हो, खुदा तुमसे बात करना चाहता है। और उस डिमोनिक एंटिटी को जो मोहम्मद से बातें करती थी, उसको जब्राइल का नाम दे दिया गया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने यहूदियों और मसीहियों की कहानियों में जब्राइल फरिश्ते का नाम बहुत सुन रखा था कि हाँ, यही वो फरिश्ता है जो खुदा का पैगाम लेकर आता है। मुसलमानों का कहना है कि मोहम्मद सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी नबी है, जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मोहम्मद तो खुद अपनी आयतों पर और कुरान पर श्योर नहीं था कि ये सब आखिर है क्या। तो जब मुसलमान कहते हैं कि हम मोहम्मद पर स्ट्रिक्ट ईमान रखते हैं, तो वे दरअसल मोहम्मद पर नहीं बल्कि उसकी पत्नी की उस बात पर ईमान रखते हैं जो उसने मोहम्मद को सुसाइड से बचाने के लिए कही थी। मत्ती की पुस्तक चैप्टर 7 और वर्स 15। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अब ऐसा ना हो कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप मुसलमानों से नफरत करना शुरू कर दें, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान इन बातों को जानते ही नहीं हैं और वे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। सूरह 3
और वर्स 54 में कुरान खुद कहती है कि अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट डिसीवर। मुसलमानों को तो कुरान और हदीस को ट्रांसलेट करके पढ़ने की भी इजाजत नहीं है, और ना ही यहूदियों की किताब तोरा या मसीहियों की किताब बाइबल पढ़ने की इजाजत है। कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनकी किताबें ना पढ़ना, वरना भटक जाओगे। तो एज अ मसीही हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? यीशु की शिक्षाओं के तहत हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए। और तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।